हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। माघ प्रदोष व्रत 2022 29 या 30 जनवरी जाने सही तिथि प्रदोष काल पूजा मुहूर्त आज जरूर करेंगे एक काम। प्रदोष व्रत प्रत्येक माह में दो बार कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन भगवान शिव की आराधना प्रदोष काल यानी कि दिन रात के मिलन का समय अर्थात शाम के समय करने की मान्यता है। इस साल माघ माह की कृष्ण त्रयोदशी 30 जनवरी रविवार के दिन पड़ रही है, इसीलिए यह रवि प्रदोष व्रत होगा। आज हम आपको साल 2022 माघ माह के पहले प्रदोष व्रत की शुभ तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले महाउपाय के बारे में बताएंगे। माघ माह प्रदोष व्रत तिथि शुभ मुहूर्त 2022। साल 2022 में माघ माह का पहला कृष्ण प्रदोष व्रत 30 जनवरी रविवार के दिन रखा जाएगा। प्रदोष व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सायंकाल 5:59 से रात्रि 8:37 तक। माघ कृष्ण त्रयोदशी प्रारंभ होगी 29 जनवरी रात्रि 8:37 पर। माघ कृष्ण त्रयोदशी समाप्त होगी 30 जनवरी सायंकाल 5:28 पर। रवि प्रदोष पूजा विधि। 30 जनवरी रवि प्रदोष के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और भगवान शिव की पूजा के लिए शिव प्रतिमा पूजा स्थल पर स्थापित करें या किसी शिव मंदिर में पूजा संपन्न करें। प्रदोष काल में भगवान शिव का गंगा जल मिले जल से अभिषेक कर उन्हें बेलपत्र, अक्षत, फल फूल, धूप दीप, चंदन, पान सुपारी सभी पूजन सामग्री अर्पित करें और भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती की भी विधिवत पूजा करें। यह रवि प्रदोष है और रविवार का संबंध सूर्य से होता है, इसीलिए इस दिन सूर्य उपासना भी जरूर करें। मान्यता है कि चंद्रमा के साथ सूर्य भी आपके जीवन में सक्रिय रहते हैं। यदि जातक की कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो उसे यह व्रत करने के साथ ही भगवान शिव के साथ सूर्य भगवान को जल का अर्घ देकर उनकी उपासना करने से सूर्य संबंधी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। प्रदोष व्रत उद्यापन विधि। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत का उद्यापन पूरे विधि विधान से अवश्य करना चाहिए, इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। प्रदोष काल का उद्यापन त्रयोदशी तिथि के दिन ही करना चाहिए। उद्यापन से पहले श्री गणेश जी की पूजा करें। त्रयोदशी के दिन प्रातः काल स्नान के बाद ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर हवन कर लें। हवन पूरा होने के बाद भगवान शिव की आरती करें। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर उद्यापन की विधि पूरी करें। रवि प्रदोष व्रत महाउपाय। शास्त्रों में प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने का दिन है। अगर यह रवि प्रदोष हो तो इस दिन सूर्य देव और भोलेनाथ की विशेष कृपा एक साथ प्राप्त की जा सकती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखकर कुछ उपाय किए जाएं तो व्यक्ति को भगवान शिव के साथ सूर्य भगवान की विशेष कृपा और साथ ही मनोकामना की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इस दिन कौन से उपाय व्यक्ति को जीवन में सफलता दिलाते हैं। रवि प्रदोष के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और सबसे पहले व्रत का संकल्प लेकर सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल में शक्कर और लाल फूल डालकर अर्घ दें। आज के दिन उपाय से व्यक्ति को जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। प्रदोष काल में भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराकर बेलपत्र अर्पित कर साबुत चावल की खीर और फल का भोग अर्पण करें, इससे मनोकामना पूरी होती है। रवि प्रदोष के दिन सूर्य स्रोत का पाठ करें, इससे घर में सुख समृद्धि आती है। रवि प्रदोष के दिन पंचाक्षरी स्रोत का पाठ करना भी शुभ होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।